अस्सलामुअलैकुम। अभी हम हैं डोडा में और आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो रही है। अभी हम बर्फ़ में चल रहे हैं, देख रहे हो आप। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम है। आई थिंक पिछले साल मुझे नहीं लगता बर्फ़ पड़ी थी यहाँ पे। पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? दो साल हो गए, दो साल से पड़ी नहीं रही है। और अभी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ठंड है बट मज़ा भी है। तो अल्लाह ताला बर्फ़ को हमारे लिए रहमत का ज़रिया बनाए। हाँ, तो यहाँ पे आपको इन्होंने बता दिया है कि क्या सीन हो रहा है। यहाँ पे हम अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल अपने फ़ोन चार्ज करने, अपना पावर बैंक चार्ज करने, क्योंकि हमारे घरों में लाइट चली गई। सर भाई बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, मुझे बड़ा मज़ा, इनको बहुत मज़ा आ रहा है। तो हम आपको कुछ शॉट्स दिखाते हैं यहाँ पे बर्फ के। यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, वाइट है नहीं, और ये फ्लेक्स भी वाइट है। मुझे नहीं फेंकना, अगर फ़ोन को पड़ा ना फ़ोन टूट जाएगा। हम अभी हॉस्पिटल में फ़ोन लगा दिया और यहाँ पे देखिए सारे इंजॉय कर रहे हैं। हम अभी हॉस्पिटल से निकले हैं और हम जा रहे हैं, यहाँ पे नया कैफ़े खुला है, कैफ़े है ना यकजा, यहाँ पे जाएंगे हम, थोड़ा बैठेंगे क्योंकि बहुत ठंड लगी है, कुछ पियेंगे चाय वगैरह। फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम अस्सलाम वालेकुम। बर्फ़ भारी छोड़ के जाओ। भाई बिजी है, मेन्यू देखने में। आपने सुन लिया? ईट नाइस टैगलाइन, ईट स्लीप बिरयानी रिपीट। नहीं मिलता, ईट बिरयानी स्लीप रिपीट, मतलब इसका क्या है? खाओ सो जाओ, बिरयानी खाओ सो जाओ। नहीं, ये तो फिर वो जानवर वाला स्टाइल हो जाता है, खाना और सोना, खाना सोना, खाना सोना। हम दुनिया में और ही किस चीज़ के लिए आए हैं? खाने सोने नहीं आए हैं भाई। यहाँ पर किताबें भी बहुत सारी पढ़ने के लिए, नॉवेल्स है वगैरह वगैरह, पढ़ सकते हो यहाँ के। सेपियंस ऊपर है, सेपियंस देखो। से भाई को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है, इसलिए ये बैठे यहाँ पे। कितने लोग आते हैं दिन में यहाँ पे? दिन में लगभग 100 लोग आते हैं। 100? अच्छा, कोई एक उनमें से बुक उठाता है यहाँ पे पढ़ने के लिए? कोई उठाता है खाल, कोई 100 में से? 100 में ये 2-3 बस। आप क्या कहोगे इस बारे में? एक्चुअली यहाँ पे हमने इन भैया से पूछा कि कितने लोग यहाँ पे बुक्स पढ़ते हैं। ये नई यहाँ पे फ्रेंचाइजी खुली है कश्मीर की, और यहाँ पे लोग कम से कम 100 आते हैं दिन में। 100 में से इन्होंने कहा कि 2 या 3 लोग बुक्स उठाते हैं, और वो भी वो लोग जो कश्मीर से आए हुए होते हैं, वो बुक्स उठाते हैं पढ़ने के लिए। अब दिखाई इनको जरा बुक्स कितनी है, दिखाई। तो दिस इज द कंडीशन। तो वी थॉट कि हम इस पे बात करें कि क्या नुकसान है बुक्स ना पढ़ने के। तो पहला नुकसान जो मुझे लगता है कि इससे अटेंशन स्पैन इंसान का कम होता है। ऑलरेडी अगर आप रिसर्चेस देखें तो आजकल के लोगों का अटेंशन स्पैन ड्रॉप हो गया है 7 सेकंड्स तक। 7 सेकंड से ज़्यादा वो किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपका अटेंशन स्पैन टाइम के साथ साथ बढ़ता जाता है, एंड यू कैन फोकस ऑन वन थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो कि बहुत हेल्प करता है किसी भी ग्रेट वर्क को प्रोड्यूस करने में। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उस टाइम पे अगर आपका फोकस सही है, आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाओगे। देर इज अ बुक बाय द नेम ऑफ डीप वर्क, जो कि कार्ल न्यूपोर्ट ने लिखी है। वो कहते हैं उसमें कि डीप वर्क तभी पॉसिबल है जब आप लेजर शार्प फोकस्ड रह के किसी भी काम को करते हो। तो रियली फोकस इज रियली इम्पॉर्टेंट, जो कि बुक्स ना पढ़ने से इंसान लैक करता है। फिर दूसरी चीज जो मुझे लगती है कि बुक्स ना पढ़ने से इंसान बहुत इम्पल्सिव हो जाता है। दिस इज अ स्ट्रेंज स्टेटमेंट दैट आई एम मेकिंग, बट दिस इज क्वाइट ट्रू, कि जब इंसान बुक्स नहीं पढ़ता, इट गिव्स यू डेप्थ। जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो ये चीज़ आपको डेप्थ देती है, इट मेक्स यू थिंक ऑन थिंग्स। और आज की जनरेशन को, जनरेशन जी जिसे कहते हैं, जिसमें हम फॉल करते हैं, 2000 के लोग जो आते हैं, 2000 के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं, उनको जनरेशन जी में कैटेगराइज किया जाता है।
तो उनमें उनमें ये चीज़ काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, इम्पल्सिव है वो लोग, वो किस कोई भी चीज़ उनके पास आती है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, दे डोंट थिंक, वो रीज़न नहीं देखते हैं कि यार मतलब व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस डिसीजन, वो मतलब उनको अच्छा लगा, दे जस्ट टेक द डिसीजन, और इसकी वजह से बहुत सारे बुरे कॉन्सिक्वेंसेस का शिकार हो जाते हैं वो लोग। बुक्स पढ़ने से इंसान इम्पल्सिवनेस से खत्म हो जाता है, इम्पल्सिवनेस खत्म हो जाती है इंसान के अंदर, क्योंकि इंसान बुक्स पढ़ता है, इंसान हर चीज के पीछे फिर रीजन ढूंढना शुरू हो जाता है, अगर इंसान बुक्स ना पढ़े तो इम्पल्सिव होता है, तो बुक्स आर रियली इम्पोर्टेंट टू रीड। तीसरा पॉइंट जो मुझे लगता है, इंसान अगर बुक्स ना पढ़े तो इंसान के अंदर से रीजन खत्म हो जाता है। यू माइट बी सीइंग पीपल अराउंड यू जिनके जो सोचते ही नहीं है, दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स और जिनके पीछे कोई रीजन ही नहीं होता, बिना रीजन के वो काम कर रहे होते हैं, और जब आप उनसे पूछते हो कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो, दे डोंट हैव एनीथिंग टू से, क्योंकि वो किस कुछ सोच के करते ही नहीं है काम। तो आई रियली रिकमेंड यू टू रीड बुक्स, बुक्स पढ़े, एंड अगर आप बुक्स पढ़ना शुरू करना चाहते हैं तो आई विल रिकमेंड यू वन नॉवल जो आपका इंटरेस्ट जगाएगी किताबें पढ़ने में, दैट नॉवल इज द 40 रूल्स ऑफ लव बाय एलिफ शफक। एलिफ शफक जो भी टर्किश राइटर हैं, उन्होंने ये बुक लिखी है, दिस इज अ वंडरफुल 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 बुक। आप इस बुक को पढ़ें और अपनी जर्नी की शुरुआत करें। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू। कर रहे हैं बहुत ज्यादा बर्फ हो रही है अभी भी, और हम गर्म हो गए अंदर जाके। हम यहाँ से फ़ोन उठा रहे हैं जहाँ हमने डाले हुए हैं, और फिर जाएंगे नमाज़ पढ़ने, और भी कुछ काम है वो करके फिर इंशाल्लाह हम घर चले जाएंगे। तो और हमने कुछ खरीदना भी है, हमने कुछ खरीदना, क्या खरीदना है? हाँ बिल्कुल खरीदना है। बर्फ बहुत पड़ चुकी है, ज़रा दिखाओ यार। एक मिनट, मैं आपको बर्फ़ दिखा, तो मैं ये बोल ही गया था, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है। सी द व्यू माशाल्लाह, हॉस्पिटल की हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी है टीन पे, और ये ब्लू कलर का टीन है, पूरा ग्रीन कलर का है, और ये व्हाइट हो गया है। यहाँ से भी बहुत ज्यादा बर्फ है, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने बर्फ उठाई, ऐसे बनाया और इनके ऊपर फेंकी, और उठाई और फेंकी, और उठाई और फेंकी। तो भाई अब उधर से पड़ने वाली है, हमने नहीं, बस बस हो गया, खत्म, बस करो भाई। ये दौड़ रहे हमारे पीछे बर्फ लेके, हम जाएंगे, हमने कुछ लाना हुआ है। बस करो यार। तो सर भाई ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ है कि मुझे कानों में भी गई और अंदर से भी गई बर्फ बहुत ज़्यादा। वो गए हैं फोन चलाने, मैं तब तक बाहर रुक रहा हूँ। अकबर अल्लाह अकबर। ये टोपी जो मुझे सर को मूवी नहीं देती करने, ऐसे ऐसे तो मैं ऐसे ही रह गया हूँ। देखिए मैं पीछे का व्यू दिखाता हूँ आपको, देखिए कितनी बर्फ है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो रही है, और अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह की रहमत बरस रही है यहाँ पे डोडा में। फोन 92% हो गया, मेरा भी 92 हुआ था। इसको बोलते हैं फिस्ट बम टू। तो पावर बैंक देखिए ज़रा, ये अंदर रखो पावर बैंक, चोरी करूँगा मैं आज। रखो अंदर, ये मैंने रख रहा हूँ, आ जाओ फेंको। अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये क्या हो गया आपके कैमरे? ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? इसने आगे से बर्फ चिपका दी सर। बिल्कुल देखिए कितना अच्छा कैमरा बना दिया इन्होंने। एक मिनट, यहाँ पे भैया ने बर्फ जलाई, ये बर्फ नहीं, यहाँ पे अच्छा भाई ने जलाई ये आग। ये देखो, ये मैंने लाया, अभी जाएगा जैकेट के अंदर। नहीं, 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 नहीं। तो अब हम करते हैं हाथ गर्म और दवाई लेनी है, फिर चलते हैं। अब हम चले हैं वापस घर के लिए। बर्फ अभी भी बहुत जबरदस्त तरीके से लगी है। अल्लाह अकबर, जबरदस्त बर्फ माशाल्लाह। हम अभी घर ही चल रहे हैं, और घर चलते चलते हम सर के पास आ गए यहाँ पे। ही इज मैक्स सर। सर क्या कहना चाहेंगे आप स्नोफॉल के बारे में? या हैप्पी स्नोइंग, दैट्स व्हाट आई कैन से, यू नो, आई लव स्नो एक्चुअली। व्हेन वी वर चाइल्ड एक्चुअली, स्टिल आई एम अ चाइल्ड, बट लाइक व्हेन आई वाज अ वेरी स्मॉल चाइल्ड एक्चुअली, आई वुड लव स्नो एक्चुअली, एंड वी वुड वेट फॉर दिस।
this day to come actually. Same here. And we would play like with our friends actually. Then we would have gangs, you know, gangs, and then we would have like sort of like, you know, snowball war, you know, throwing snowball at each other. That was like really cool actually. Yeah, that's cool actually. No, really, yeah. Shiv is hitting me with a snowball actually. Yeah. That's wonderful actually. Good. Happy New Year. Happy snowfall actually. And enjoy. Okay. Thank you. Yeah. Thank you. Great. Thank you so much for your precious words. Thank you. We want to hear the rhyme. Okay, right. Okay, that's fine. Yeah, this is one rhyme. Okay, I just just making up for kids. Grown ups, yeah, actually. For kids, actually, yeah. It's snowing, and I'm loving it. We are playing, but it's snowing. Wow, it's snowing. Let's play with the snow. We are playing with the snow. And we are loving it. Max and Sahib are playing with snow? Yeah, it's a big one. Okay. What was that, man? That face, that print sack, you know? You can target them. So this is easy. Yeah, this is an easy one, okay? But yo. Yeah. No, sir. It's easy, but it wasn't easy, you know. See how they got it. Yeah, yeah. Oh no, sir. No, I did it, brother. I did it. You did it do? Yeah. See now, let's try. You see, like, look. I just now, like, this is I'm trying, okay? Okay, sir. Like this, okay? Now see. Yeah. Oh yeah. No. Now my turn. It's your turn, sir. Yes. No! Make me, I will throw. Okay. It's your turn. Yes. Cheers. Now it's my turn. No, okay, sir, it's my turn. Wait. We have to target the sacks, okay, right? Okay, okay. This yellow. You missed that, bro. I missed it, brother. Okay, it's your turn. Cheers, cool. It's my turn now. Oh, yes! Yes, you did it! Yes, you did it! You missed that. You missed it. I did it, brother. You didn't. Yeah. Bro, prove it to me. I'll prove it mathematically. Yeah, it's numerical actually. Yeah, it's numerical. Infinity, you know. Hands. So you have to run to the mirror. Yeah, okay. Yeah. No, okay. Oh. Now it's so bad. That was so bad. That was really bad one. We'll see. Oh. Yes, I did it. How are you feeling? कैसा feel कर रहे हैं आप ये इतनी बड़ी तरक्की लेके? आपने इतना बड़ा काम कर दिया है. Super excited. Super confident. Sir doesn't like to be on camera. I am going to bring him on. Sir, ऐसा क्यों? आपके spectacles. आतिफिया की तरह. So now what you are going to do? Nobody will recognize me. आप पहचानो ये कौन से सर हैं हमारे? सर कुछ बोलो. No way. सारे पहचान लेंगे आपको आपकी बातों से ही. नहीं बोल सकते सर. इंस्टाग्राम आईडी सर. व्हाट्सएप नंबर. फेसबुक आईडी. आई डोंट नो दिस गाइस.